So, hello friends. Today we will discuss about the isomerism and coordination compounds. So, isomerism, जैसे आपने organic chemistry में पढ़ रखा है, same molecular formula. But different. Structure or stereo form. This phenomenon is known as isomerism and the compounds, such formulas are known as isomers to each other. So isomers ko aap organic coordinates compounds mein do types se divide karte hain, to structural isomers. Isomerism dusri space ya stereo isomers. Isme ek aapki geometrical hai aur dusri optical. Isme aapki ionization isomerism hai, दूसरी आपकी हाइड्रेट, तीसरी आपकी लिंकेज, चौथी आपकी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पांचवी पोजीशन कोऑर्डिनेशन और छठी आपकी Polymerisation. ठीक है, ये आपके examples और इनके illustrations के बारे में हमारे को discuss करना है. So आपका जो है ionization isomerism में compounds के जो ions होते हैं वो different होते हैं. ठीक है, जैसे आपका ये example है bromo pentamine cobalt थर्ड सल्फेट और पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड. तो इनमें जो है आपके दोनों के आयंस अलग है, ये सल्फेट आयन देगा, ये ब्रोमाइड का आयन देगा. यदि आप इसका बेरियम क्लोराइड के साथ टेस्ट करें तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, और यदि आप इसी का टेस्ट आप AgNO3 के साथ करें तो नेगेटिव टेस्ट देगा, प्रोपिपेटिन देगा. इसका आप बेरियम क्लोराइड के साथ टेस्ट करें तो नेगेटिव आएगा, AgNO3 के साथ टेस्ट करें तो पॉजिटिव आएगा, AgBr का येलो पीपीटी. ठीक है, यहां पर जो है बेरियम सल्फेट का आपका व्हाइट पीपीटी आ रहा है. ठीक है ना, तो ये आपके जो है इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स में डिस्टिंग्विश भी कर लेते हैं और कंडक्टोमेट्री से भी कर लेते हैं. कंडक्टोमेट्री भी नाइंस की अलग अलग आती है आपकी. ठीक है, तो ये एक आपका एग्जांपल है आपका आयनाइजेशन आइसोमर. नेक्स्ट है आपकी सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म. इसमें कंपाउंड्स के पास सेम कंपोजिशन होता है, बट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपके लिगेंड्स के रूप में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट होते हैं और जो फ्री सॉल्वेंट के रूप में होते हैं उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होता है. ठीक है, तो जैसे यहां पर आपके 6 वाटर थे या 5 हो गए या आपके 4 हो गए. ठीक, आप मतलब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन मतलब नेचर में ऐसा कंपाउंड अभी नहीं मिला. तो आपका जो है ये जो आइसोमर है इसमें यदि आप AgNO3 से रिएक्शन कराएं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स, इसमें AgNO3 गए 2 मॉलिक्यूल्स और इसमें AgNO3 का 1 मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट करेंगे. ठीक है, AgCl. ठीक है, क्लोराइड आयन आपका AgNO3 के साथ AgCl का पीपीटी देता है. ठीक, तो इस तरीके से इन कंपाउंड्स को हम जो है क्वांटिटेटिवली डिस्टिंग्विश कर लेते हैं.
So next है आपके linkage isomerism. Isomerism of this type of compound occurs in compounds containing amphidentate ligand. Amphidentate ligand का मतलब ये है कि भाई आपका एक atom में एक group में दो atoms donate कर सकते हैं electron pair. जैसे यहाँ पर oxygen कर रहा है, यहाँ पे nitrogen कर रहा है. तो इसको हम nitrito बोल देते हैं और इसको nitro. ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो है लिगेंड के जो डिफरेंट एटम्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसको हम लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं. ठीक है, एम्फीडेंटेट लिगेंड होता है. तो इसका नाम हो जाता पेंटामीन और नाइट्राइटो. ठीक है, नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन. इसका नाम हो जाता पेंटामीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, या इसमें नाइट्राइटो की जगह एन नाइट्राइटो वर्ड भी यूज कर देते हैं. ठीक है, इसकी जगह यहां पर हम सॉरी ओ नाइट्राइटो क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहां पे एन नाइट्रो वर्ड भी यूज कर देते हैं. ठीक है, तो दोनों सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है. So next है आपका coordination isomerism. This type of isomerism is possible when positive and negative ions of a salt are complex. यानी दोनों ही complex ion हो. तो उसमें ligands का distribution हम central metal atom के साथ change कर देते हैं. ठीक है, cation और anion में ions change कर देते हैं तो बन जाते हैं आपका isomer. ठीक है, और भी possible है इसमें कि भाई यहाँ पे तो चलो हमने cobalt का ammonia के साथ है तो chromium को भर दिया, लेकिन आप हो सकता है एक अमोनिया की जगह एक साइलेंट ले आते. ठीक है, वो उधर ले जाते, इस तरीके से दो ले जाते, तीन ले जाते, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाते. तो बहरहाल इनके नाम आप आई भी समझाने की कोशिश कीजिए. तो इसका नाम क्या बनेगा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड. ठीक है, क्रोमियम और कोबाल्ट की आपकी तीन तीन ऑक्सीडेशन जनरली होती है. ठीक है, तो ये प्लस थ्री आयन बन जाएगा, ये माइनस थ्री आयन बन जाएगा. ठीक, तो ये आपको डी ब्लॉक एलिमेंट से इंफॉर्मेशन मिल जाती है. तो कोबाल्ट थर्ड और उसके बाद हेक्सा साइनो क्रोमेट थर्ड. इसका नाम आप बनाने बैठे तो हेक्सामीन आपका क्रोमियम थर्ड हेक्सा साइनो कोबाल्टेट थर्ड. इसका नाम तो दोनों के नाम भी डिफरेंट बनेंगे और मॉलिक्यूल भी डिफरेंट बनेंगे. तो ये आपका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है जिसमें ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इसमें लिगेंड्स का एक्सचेंज नहीं आता कोऑर्डिनेट मेटल्स में. ठीक है, तो इसका यदि आप नाम बनाए तो क्या बनेगा बच्चों, टेट्रा एमी कोबाल्ट थर्ड म्यू म्यू डाई हाइड्रोक्सो के बाद डाई एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. और इसका क्या नाम बनेगा, ट्राई एमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड म्यू म्यू डाई हाइड्रोक्सो ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड ट्राइमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. ये इसका नाम. सो कॉम्प्लेक्सेस जैसे आपके पीटी NH3Cl2 है और इसका हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब जिनके इंटरनल फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो खैर डिफरेंट है.
तो इसको भी हम पॉलीमराइजेशन आइसोमरिज्म में ले लेते हैं, दैट इज नॉट ए ट्रू आइसोमर, ठीक है, तो ये भी आप ट्रू आइसोमरिज्म नहीं है। तो ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के पार्ट है जिनमें आईआईटी जेईई में बेस कई क्वेश्चन आ चुके हैं और उनका फिर हम अलग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि होता क्या इस लेवल पे एक क्वेश्चन अब एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं देती आईआईटी, ठीक है ना, ठीक है, वो दो तीन चीजों को मिलाकर एक क्वेश्चन बना देती है आईआईटी, ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे।